व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी फ्राई फिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो फिश ले ली थी जिसको मैंने वॉश किया। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक और ये थोड़ा सा सिरका मैं इसमें शामिल करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन 1 घंटा के लिए इसे रख दूँगी। उसके बाद हम इसे दोबारा वॉश करने के बाद मैं इसे मैरिनेट करूँगी। व्यूवर्स, फिश को मैंने दोबारा वॉश कर लिया अच्छी तरह। अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं ये बेसन ले रही हूँ। ये 3 चम्मच मैंने, तकरीबन 3.5 चम्मच मैंने ये बेसन के ले लिए हैं। ये चावलों का आटा है जिसको मैंने चावलों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। ये भी मैं तकरीबन 3 चम्मच इसमें शामिल करूंगी। इसमें मैं लहसुन और अदरक शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून लहसुन है और 2 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट है। ये 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। ये 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हल्दी और ये गरम मसाला है, ये भी 1/2 टीस्पून है। थोड़ी सी मैंने ये ज़र्दा रंग इसमें शामिल करूँगी। नमक हस्बे ज़ायका है। ये 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टेबलस्पून ये चिली पाउडर। इन तमाम चीज़ों को मैं इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे। इसमें पानी शामिल करके एक अच्छी सी इसकी पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको इसमें नमक मुझे कम लगेगा, मैं इसमें और मिर्ची और नमक अगर कम होगा तो मैं और ऐड कर लूंगी। अब मैं तमाम पीसों को एक एक करके इस पर ये लगा के हम साइड पे रखते जाएंगे और तकरीबन मैं 1/2 घंटा इसे मैरिनेट करके इसको लगा के इस बैटर को मैं इसको छोड़ दूंगी। व्यूवर्स, फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है। मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाला भी है। इसकी देखें हीट बिल्कुल मुनासिब है। अब मैं इसमें फिश को फ्राई करेंगे। अभी हमने फुल फ्राई नहीं करना, अभी मैं हाफ फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं दोबारा इसको जब सर्व करना होगा उससे पहले मैं इसे दोबारा फुल फ्राई करूंगी। व्यूवर्स, फिश को मैंने हाफ फ्राई कर लिया था, अब मैं इसे सर्व करने लगी हूं। इसे दोबारा फुल फ्राई करूंगी। ऑयल हमारा गर्म है ताकि बंदा व्यूवर्स, हमारी ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी फ्राई फिश तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना।
इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अपनी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।